मैं पक्षी पहाड़ के तुम गंगा के तीर अच्छा ये किसने लिखा पापा ने लिखा पापा ने मम्मी के लिए लिखा ओ माय गॉड पापा इज सो रोमांटिक भैया वह सुबह बहुत सारे पैकेज आ गए देखो एक पैकेज ये इसके बाद अभी बैक टू बैक चार पांच पैकेज आने वाले हैं तो दूसरा पैकेज लेने के लिए जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली आई होप सब कुछ अच्छा होगा और अगर अच्छा नहीं है तो यकीन करो सब अच्छा हो जाएगा। तो वह सुबह दो चीज़ों की डिलीवरी हो गई और मैं जा रहा हूँ इनको देख के अनबॉक्सिंग करने। देखो मेरे पास कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है एक मेरा गिम्बल हो गया एक लैपटॉप दूसरा लैपटॉप दो लैपटॉप हैं अभी मेरे पास बस मेरे पास पता जो चीज़ नहीं थी वो थी एक्सटेंशन बोर्ड तो ये एक एक्सटेंशन बोर्ड मंगाया मैंने ये मुझे दिखा पैकिंग अच्छी है ना सही है यार ये माउस पैड है बहुत बड़ा गेमिंग वाला माउस पैड है इसमें ना पूरे में लाइट जलती है। इसके बाद ना नीचे मेरा ये कूलिंग पैड पड़ा हुआ है विच इज माई ओ माउस पैड सॉरी देख रहे हो प्रीडेटर हो गया मेरा चालू वेरी गुड बेबी वेरी गुड ठीक है। तो ये था मेरा सेटअप और ऑनेस्टली बताऊँ ये बहुत प्यारा है तो ये है अपना सेटअप जो कि मैंने कराया है एक्सटेंशन बहुत अच्छा है मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा क्योंकि 7 पोर्ट्स हैं उसके बाद फिर भी यूएसबी पोर्ट्स अलग से हैं 5 बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ दिस इज द बेस्ट वन जो मैंने अभी तक देखा है क्योंकि मेरे को हमेशा होता था क्या मेरे पास एक एमआई का चार्जर था उसमें बार बार नहीं मेरे पास एक चार्जर था जिसमें ना डबल यूएसबी पोर्ट थे तो उन्हीं पोर्ट्स पे लगा के मैं अपनी जो भी यूएसबी की डिवाइसेस थी वो चार्ज करता रहता। अब मुझे दो चीज़ें तो हमेशा चाहिए होती हैं एक तो एक कूलिंग पैड और दूसरा ही माउस पैड इनको हमेशा ऑन करके रखना ही पड़ता है तो भाई ये मेरे लिए अच्छा रहा। इसके बाद अब देखते हैं इसमें वो यूएसबी केबल वगैरह जो भी मतलब जैसे हेडफोन्स वगैरह अगर चार्ज करने तो मैं डायरेक्ट चार्ज कर सकता हूँ तो यही इसकी खूबसूरती है। और हाँ देखो मेरे पास एक लैम्प भी है आपको दिखाऊँ ये मेरे पास लैम्प भी है देखो ये एकदम वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए है इस लैम्प में भी एक यूएसबी है देखो इसको भी लगा देता हूँ ठीक है तो 3 यूएसबी लग गई है चार्ज हो रहा है हाँ हो रहा है इसके पीछे लाल लाइट जलती चल रही ठीक है तो अब ये 3 चीज़ें चार्ज हो रही हैं 2 2 3 अब ये भी चार्ज हो जाएगा तो ये इसकी खूबसूरती है। मेरा सेटअप ना सेटअप हो गया मतलब ऐसा कि हाँ मैं अब यहीं से वीडियोस वगैरह स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो यही है अपना सेटअप अभी के लिए। गेमिंग वेमिंग करा करता था अब गेमिंग तो होती है नहीं पर हाँ ये बहुत अच्छा है भाई हमारा हीरो जब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता है ये बात हेलो दोस्तों तो आज मैं जा रहा हूँ अपने मामा के यहाँ देखते हैं रास्ते में बहुत सारे देखो सरसों के पेड़ हैं मामा के यहाँ भी बहुत अच्छी खेती होती है सरसों की। आज हमारा एडवेंचर होगा गांव में और गांव में हम अपनी मम्मी और भाई के साथ बहन के साथ आए हैं देखते हैं कि क्या होता है गांव में स्पेशल तो मिलते हैं गांव के अंदर। मिट्टी ऐसे चलती है देखो ये वो देखो ले गया चल देखो बेचारी नीरज भाई को देख के सोच रही थी कौन अरे मम्मी करो ना ठीक है पूरा आयो जामुन को पेड़ तो ना इनपे जा
क्या है खेत में है कितने खूबसूरत देखो सरसों की खेती हो रखी है। बचपन में मैं आया करता था तो यहाँ पे इतने ये जो चार पांच पेड़ दिख रहे हैं आम के यहाँ से पूरी लाइन जाती थी पूरा एंड तक पूरे आम के ही पेड़ थे सारे। अब देखो ये यहाँ पे भी हैं आम के पेड़ इतने सारे आम के पेड़ हुआ करते थे। अब देखिए ये हाईवे बनी है यहाँ पे कि हाईवे का तो नाम व निशान नहीं था 10 साल शायद 2010 में 2009 में आया था मैं तो उसके बाद से देखो ये हाईवे बन गया। ये चित्रकूट वाला हाईवे है ये वही हाईवे है। बताइए कितनी ग्रोथ हो गई सब चेंज हो गया। वो मेरे मामा का घर है और ये देखो किसी ने अपना ट्री हाउस बना रखा है नहीं हाउस नहीं है ये बस यहाँ पे वो रखा है आग वाग जलाने के लिए। देखो कितने खूबसूरत सरसों के खेत हैं। मैंने अपने कार में शूज़ उतार दिए थे आराम से मेड़ पे चलो एक टाइम था नंगे पैर भी ऐसी मेड़ों पे चल लेते थे अब शायद नहीं चल पाएंगे नहीं चलने को तो अब भी चल लेंगे बट वो ये कि गिर गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो ये मामा जी ने घर बना रखा है यहाँ तो ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है प्राइवेट ट्रांसफार्मर है जी। इससे ये भी बिजनेस का सोर्स है भाई ये तो वो है ना क्या है ये दाल है ना अरहर की दाल है ये तो आम का पेड़ है देखो और बाकी वो चार प्रॉपर जन्नत बड़ा खूबसूरत है बढ़िया व्यवस्था है। ये वाले से ना पत्तल बनते हैं ये वाले पेड़ से पत्तल अगर आपको पता हो जिसमें हम लोग खाना खाते हैं दावत वगैरह में इस वाले पेड़ से पत्तल बनते हैं। यूकेलिप्टस है ये अरहर है ये देखो मोटर बना हुआ है यहाँ प्राइवेट लाइट है डलवा रखी है सही है। इसके ऊपर जाने के लिए देखो सीढ़ियाँ रखी होंगी नशैनी बोलते हैं हमारे यहाँ पूरा आलू ही आलू 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 यहाँ पे भी आलू खूब खेती होती ना आलू की हमारे यूपी में खूब होती ना खेती। ये देखो ये रखा लहसुन तो भाई देखो गांव में आके इतनी ज़्यादा खुशी इतनी ज़्यादा सुख शांति मिलती है ना नो टेंशन ओनली मस्त बढ़िया लाइफ शांति सुकून भरी ठीक है। यहाँ हाईवे सब कनेक्टेड है कार रखो अपनी पास में से निकलो यहाँ से निकल जाओ दिल्ली कानपुर जहाँ जाना है। अरे ये बताओ वो जो है वो ऐसे ही हो जाएगा बाद में वो ऐसे ही हो जाएगा वो ये ज़्यादा दिन की है सरसों ये मतलब उसका फूल आने के बाद ये अब इसमें फली आ गई हाँ इसमें फली आ गई उल्लू कहाँ छोटा बना भाई जब बताओ पहली बार चलाए रे गाड़ी हाँ जिंदगी में पहली बार ना मजाक कर रहे हैं ये मेरे मामा के लड़के राजवीर भैया इन्हें हमें बचपन में खूब खिलाया कंधे पे बिठा के जैसे मैं बाबू को खिलाता हूँ कैसी है मीठी राजू भैया जाए हाईवे से नुकसान बैठो कोई नुकसान नहीं नहीं तो अब गांव में काफी कुछ हुआ गांव में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा सरसों के खेत देखे और अपने भैया भाभी से मिले। ये मेरा भांजा है सॉरी भतीजा है भांजा कहने की आदत हो गई क्यों क्योंकि मैं बाबू है कौन बैठेगा चलो नाइट स्ट्रोल पे रात में गश्त पे जाते हुए हमारी फैमिली हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के अंदर वाले पार्ट में रात में और बहुत कुछ देखा आज हमने और पूड़ियाँ भी खाई बट पूड़ियों का कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ तो मज़ा बहुत आया। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने पुराने गांव में देखने
पुराना गांव देखने जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, पुराना घर देखने जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था आज से काफी बहुत सालों पहले, बहुत साल हो गए, एज नहीं बताऊंगा कितनी है मेरी, गैस करो खुद ही। और मेरे बचपन के दोस्त थे ये राजवीर भैया है हमारे, जैसे मैं और बाबू हैं, नीरज मामा और बाबू है, वैसे ही नीरज और राजवीर भैया हुआ करते थे। राजवीर भैया मेरी गाड़ी चला रहे हैं, राजवीर भैया के पूरे मजे हैं, राजवीर भैया को रात में गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आ रहा है आज, हाँ। है ना जी, रात में मजा आ रहा था, दिन में रात में अलग ही भौकाल है ना, रात की बात अलग है, काली गाड़ी काली रात, हाँ। और गांव का माहौल, गांव में मुझे लग रहा भैंसी भैंस दिखेंगी रास्ते में, भैंस भैंस दिखेंगी।